दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज ये हमारा 11वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को देख लिया था और 10 क्लास हमारा जो है वो हो चुका था। आई होप कि आपने उन सारे क्लास को देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए है जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके तो चलिए आज का क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप, ऑप्शन है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से ना हटने दें, कदम कदम पर उन्हें सही दिशा निर्देश प्रदान करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या फिर मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अब बहुत जगह जो है वो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, लेकिन ये आपको भूल का भी टिक जो है वो नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ज़्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता और लास्ट ऑप्शन हमारा है परिश्रमी। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से विचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, उससे अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे और अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें जो है वो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक छात्रों के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये सभी। तो यहाँ पे जो है मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, ठीक है, शिक्षक जो है वो छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को अपनी छात्रों को अपनी जो है मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा के पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में जो है वो अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका नेक्स्ट पेज में ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मठता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यही गुण जो है वो शिक्षक को अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए जो है वो किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देकर इसे जो है वो समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? चार ऑप्शन है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे 212 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल सहयोग छात्रों का सहयोग हो, मनोरंजन कहानियाँ सुनाई जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में जो है वो शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो शायद पहले भी आ चुका है और उसमें हमने जो है वो वहाँ पे सख्त आंसर टिक किया था। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे मैंने मिस्टेक से सख्त कर दिया था, वो वहाँ पे जो है मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सर्च किया, तो अकॉर्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, इसको जो है आप लोग टिक नहीं कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, तो मैंने उस क्वेश्चन को बहुत ही बुक में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, तो अंत में जो है मुझे एक कंक्लूजन मिला कि यहाँ पे जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय ठीक है नहीं होती है क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके जांच की विधियाँ अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इनके परिणाम सदैव जो है वो समान नहीं होते। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है, ये सभी, तो यहाँ पे ये सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। ओके, अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो यहाँ पे अति संवेदनशील जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, और नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगी, उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो शायद आपको रिपीटेशन में मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो यहाँ पे जैसे पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको जो है पता चल रहा है कि कोई कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो चुका है। ओके, तो कोई बात नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है?
ज़्यादा नहीं, शायद एक ही दो क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीटेशन यहाँ पे मिल सकता है। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। विशिष्ट बालक का मतलब होता है स्पेशल चाइल्ड या फिर एक्सेप्शनल चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छात्र जो है वो नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब परीक्षा में इससे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा जाए, तभी छात्र जो है वो अध्ययन करेंगे और उसे जो है वो समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छात्रों का जो है अधिकतम विकास जो है वो मानसिक कार्यों द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासन ही बना सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है, पूर्ण असहमत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से जो है वो यहाँ पे सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्र कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, मानव का संस्कार रूपी आवरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। शिक्षा का क्या मतलब है? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? ठीक है, कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो परिवार जो है वो समाजीकरण का पहला प्राथमिक कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या और क्या सिखाना चाहिए? ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्यालों में, ठीक है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, उनके विकास में सहायक हो। ठीक है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2000-2001 के बीच, ठीक है, 2000-2004 के बीच, 2004-2005 के बीच, 2014-2015 के बीच। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2000-2001 ईस्वी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो शिक्षा अब पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों के शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। ठीक है, तो रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना यह जो है वो विद्यालय से छात्रों को भागने का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार और ये सभी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की अभिरुचि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे जो है वो प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यही है। ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाए टीचर अगर 100% अपना पढ़ाने में दे देगा, हर डाउट क्लियर करते हुए चलेगा, तो स्टूडेंट खुद जो है वो वहाँ पे कोई सवाल ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 237 का जो है वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है जीवन को स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे आपका जो है वो 238 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्शवादी शिक्षण को जो है वो आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज इस क्लास का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अपवर्जक शिक्षा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समान भाव रखकर जो है वो शिक्षा देना। ओके, तो दोस्तों आपके पास जो एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है। ठीक है, 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, इसीलिए जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक दिन में अब 80 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और 10 दिन में हम लोग जो है वो 800 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ा दी है। राइट, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और आप लोग जो है वो बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।